अहम खबर आ रही है, सबसे पहले उससे रूबरू करा दे। सरकार की कोरोना गाइडलाइन पर बीजेपी विधायक का भ्रामक प्रचार। जैतारण विधायक अविनाश गहलोत ने भ्रामक ट्वीट किया है, एक एडिटेड स्क्रीनशॉट को सरकार की गाइडलाइन बताया है। अंतिम संस्कार से चार दिन पहले एसडीएम को सूचना देने का भ्रामक ट्वीट किया है यहाँ पर, जबकि सरकार की गाइडलाइन में कहीं ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। सीएम गहलोत की ओएसडी लोकेश शर्मा ने दिया अविनाश गहलोत को जवाब और कहा कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आपसे आग्रह है इस महामारी के समय में गलत प्रचार कर जनता को भ्रमित ना करें। लोकेश शर्मा ने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन भी अविनाश को भेजी है। तो अविनाश गहलोत जिन्होंने एक भ्रामक ट्वीट किया है, हालांकि कह सकती है एडिटेड ट्वीट है, लेकिन उन्होंने क्योंकि ट्वीट किया और जनप्रतिनिधि है जो ट्वीट करते हैं, जो लिखते हैं, जनता उस पर विश्वास करती है और इसका जवाब भी लोकेश शर्मा ने दिया। एडिटेड स्क्रीनशॉट है जिसे सरकार की गाइडलाइन बताया गया। संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, एडिटेड स्क्रीनशॉट को सरकार की गाइडलाइन बताया गया, इसे लेकर ट्वीट किया अविनाश गहलोत ने, रिप्लाई इसका दिया है लोकेश शर्मा ने, लेकिन ये एक तरह से गलत है। जनप्रतिनिधियों को कम से कम सोच समझ कर देख कर ही कोई भी ट्वीट या कोई भी मैसेज देना चाहिए। श्वेता बिल्कुल, देखिए काफी संवेदनशील मामला है, जबकि कोरोना की गाइडलाइन हो तो उसको लेके काफी सावचेत रहना चाहिए। और चूंकि अविनाश गहलोत एक जनप्रतिनिधि है तो उनके द्वारा कोई भी अगर सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश दिया जाता है तो खासकर उनके क्षेत्र के लोगों को एक बार उस पर विश्वास होता है। तो उन्होंने एक एडिटेड जो ट्वीट है, एडिटेड जो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें गलत बात लिखी हुई है कि अंतिम संस्कार से पहले चार दिन पहले एसडीएम से अनुमति लेनी पड़ेगी, ये कहीं से वायरल हुआ और उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से उसको अपलोड करते हुए सरकार के गाइडलाइन पर सवाल खड़े कर दिए थे। जब ये ट्वीट है वो सीएम की जो सोशल मीडिया सेल तक पहुंचा तो इस बारे में जानकारी हासिल की और अब सीएम को लोकेश शर्मा ने उसका जवाब दिया और कहा है कि इस तरह के जो भ्रामक ट्वीट है वो नहीं होने चाहिए। सरकार की जो गाइडलाइन जारी हुई थी श्वेता उसमें कहीं इस तरह का उल्लेख नहीं है जो जिस तरह का ट्वीट है वो अविनाश गहलोत ने किया है। ऐसे में लोकेश शर्मा ने इसका खंडन किया है और साथ में उन्होंने जो सरकार की गाइडलाइन है वो भी बता दी है कि सरकार की गाइडलाइन ये है। तो जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि ऐसे माहौल में जबकि प्रदेश में कोरोना बेकाबू है और सरकार के स्तर पर फैसले लिए जाते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो चाहे वो आम लोग हो या जनप्रतिनिधि हो, उनको इस बारे में थोड़ा सावधान रहना चाहिए क्योंकि उनके एक गलत वायरल है, वो गलत संदेश है वो जनता में पहुंचता है और लोग इसके बारे में फिर अलग अलग टिप्पणियां करती है जो उचित नहीं होता। ऐसे में ये जो अविनाश गहलोत जिस गाइडलाइन की बात कर रही है, सरकार ने ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। जो ट्वीट उन्होंने किया है, जो स्क्रीनशॉट उन्होंने लगाया है अपने ट्विटर हैंडल पे, वो एडिटेड है। इस तरह का कोई गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी नहीं हुई थी। तो जो इस तरह की अगर वायरल अगर होती है तो जनता को भी इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि सरकार की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। किसी ने जानबूझ के सरकार की छवि खराब करने से के लिए या गृह विभाग की छवि खराब करने के लिए इस तरह का एडिटिंग किया होगा, इसकी भी जो जांच है वो चल रही है। लेकिन बहरहाल जो लोकेश शर्मा है सीएम की ओर जी, उन्होंने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि इस तरह की कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है और वो जो सरकार की जो गाइडलाइन जारी हुई थी वो भी अब सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। तो जनता भी जो सरकार के आधिकारिक गाइडलाइन है, न कि कोई स्क्रीन शॉट पर विश्वास किया जाए, बल्कि जो गृह विभाग की गाइडलाइन जारी है जिसपे प्रमुख सचिव गृह अभय कुमार के साइन है, उसी गाइडलाइन पे विश्वास करना चाहिए जो सरकार की तरफ से अधिकृत। बिल्कुल, और नरेश सबसे अहम बात यह कि अभी ऐसा वक्त है कि कुछ भी सामने आता है लोग भरोसा करते हैं ना, कि ये देखेंगे कि एडिटेड है, ये गलत है, ये भ्रामक है, इस पर लोगों की नजर नहीं जाएगी और इसलिए बहुत ही सोच समझ कर ही किसी भी तरह की चीजों को शेयर करना चाहिए या फिर ट्वीट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए।